हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G54 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रेडमी का एक पॉपुलर स्मार्टफोन रेडमी 12 5G, इन दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करी जाए तो रेडमी 12 5G को 13,499 रुपये की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G को 15,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू कर। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेडमी 12 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G54 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतितु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी काफी आगे निकल जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G का जो अंतितु स्कोर निकल के आता है 4,73,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रेडमी 12 5G का जो अंतितु स्कोर निकल के आता है 4,30,000 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें तो Redmi 12 5G में 6.79 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन की प्राइमरी मेगापिक्सल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, फिर भी कैमरे के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि मोटो G54 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रेडमी 12 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi 12 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो Moto G54 5G खासकर कैमरे के मामले में तो Redmi 12 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात करें जाए तो Moto G54 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi 12 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो Moto G54 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi 12 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में भी काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है मोटो का G54 5G, क्योंकि मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi 12 5G में सिर्फ 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो G54 5G हर मामले में Redmi 12 5G से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज थे और अपने लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो G54 5G को ही बाय करें।